चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर सियासत गर्मा गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे विधायक नारायण त्रिपाठी। नारायण त्रिपाठी ने पुलिस आयुक्त भोपाल को लिखा पत्र, दुर्भावनापूर्ण बदनाम करने के प्रयास के आरोप, श्याम मानव के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई है। तो बताते हैं आपको कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर अब सियासत जो है वो काफी गर्मा गई है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में विधायक नारायण त्रिपाठी उतर गए हैं। नारायण त्रिपाठी ने पुलिस आयुक्त भोपाल को पत्र भी लिख दिया है और इस पत्र में लिखा है कि दुर्भावनापूर्ण बदनाम करने के प्रयास के आरोप, श्याम मानव के खिलाफ FIR दर्ज करने की भी मांग की गई है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं और इस पूरी खबर को समझने का प्रयास करते। दुष्यंत, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर सियासत है जो थमने का नाम नहीं ले रही है प्रदेश में। हाँ बिल्कुल, देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जो लगातार कामकाज है, जो कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और जो मध्यप्रदेश के ग्राम ग्राम से आते हैं और कहीं ना कहीं जब वो नागपुर पहुंचे थे तो उस दौरान उनकी कथा के दौरान उन पर कई सारे आरोप लगाए गए। ये भी कहा गया कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं और इसको लेकर जो अंधविश्वास उन्मूलन समिति के जो सदस्य है श्याम मानव, उन्होंने ये आरोप लगाए थे और इसको चुनौती जो है वो अपने चमत्कारों को स्पष्ट करने के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी थी और उसके बाद से ही लगातार जो है यहाँ पर विवाद जो है वो सनातनी और अलग अलग धर्मों के बीच में देखने को मिलने लगा था। और जैसे ये बात भी कही जा रही थी कि जो लोग सनातन धर्म का विरोध करते हैं वो इस तरीके की जो आरोप जो है वो सनातन धर्म के अनुयायियों पर लगाते रहते हैं, इसी तरीके से कहीं ना कहीं अलग अलग जो उनके समर्थन है वो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मिलने लगा है। अलग अलग संतों ने तो उनका समर्थन किया ही है, साथ ही साथ अब बीजेपी के जो विधायक है नारायण त्रिपाठी, उन्होंने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन करते हुए श्याम मानव पर FIR दर्ज करने की मांग जो है वो मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग से की है, पुलिस के अधिकारियों से की है। तो साफ तौर पर पुलिस आयुक्त भोपाल को उन्होंने पत्र लिखकर ये मांग की है। ये भी कहा है कि आस्था के प्रतीक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक बदनाम करने का प्रयास जो है वो क्या मानव कर रहे हैं और इस प्रयास को लेकर उनके खिलाफ में FIR दर्ज की जानी चाहिए ताकि उनको इस बात का समझ मिल सके कि हर किसी पर उंगली उठाना ठीक नहीं है और अगर वो आस्था को अंधविश्वास मानते हैं तो ये उनका पक्ष हो सकता है, लेकिन लाखों की संख्या में जो अनुयायी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हैं तो वो उनका अपमान ना करें और इस तरीके से अगर वो लगातार अपने बयान जो है वो देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ में जोरदार प्रदर्शन भी आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि आखिर सियासत कहाँ थमेगी जाकर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, बीजेपी लगातार सपोर्ट में उतरी है धीरेन्द्र शास्त्री के और दूसरी ओर अगर देखा जाए तो कांग्रेस लगातार इसका विरोध कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दुष्यंत तमाम जानकारी की। तो बता दें धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर एक बार फिर मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में अब विधायक नारायण त्रिपाठी उतरे हैं। नारायण त्रिपाठी ने पुलिस आयुक्त भोपाल को पत्र लिखा है, दुर्भावनापूर्ण बदनाम करने के प्रयास के आरोप भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी थी जिसे लेकर भी उन्होंने FIR दर्ज करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ रंग लाती है सियासत। इस पूरे मसले को लेकर तमाम तरह के बयान लगातार सामने आते रहे हैं।